फ्रेंड्स, दिस इज गुंजन कटारिया, योर फाइनेंशियल फ्रेंड। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, सो प्लीज पे अटेंशन। आरबीआई ने 1 अक्टूबर से टोकनाइजेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का रूल अप्लाई कर दिया है। इसके तहत अगर आप कोई भी वेबसाइट पे कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए आप अपने कार्ड से टोकन जनरेट कर सकते हैं और उसको परचेज में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट कभी भी किसी भी वेबसाइट पर सेव नहीं होगा, जिससे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाए और आप सेफर साइड में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट ये टोकनाइजेशन मैंडेटरी नहीं है, बट इसलिए फिर भी आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो जैसे आप पास में यूज करते थे अपना कार्ड डिटेल से नेम देते, वो आप डाल के आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि ये बहुत सेफर मेथड है कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का, इसलिए यूज दिस टोकनाइजेशन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।